Dear students, hope you will be fine. आप सभी का आपकी ही कक्षा में स्वागत करते हैं सुनील सर. One thing I would like to be regards Mr. Sumit Singh, Kanchan Verma, Mahan Kumar, Pragya and so many. All are welcome. Jahanvi also, and rest of others, those are watching this video live. Thank you very much everyone to come and join it. Now, I would like to be say you firstly some information. Listen carefully. मैंने एक छोटा सा 5 मिनट का एक वीडियो जारी किया है जिसमें मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि टेस्ट कैसे चलेगा, टेस्ट सीरीज कैसे होगा. उसको जरूर सुनिएगा और ध्यान रखिएगा और 10 तारीख से उस टेस्ट के लिए इनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगा, एडमिशन. और वो एडमिशन से होगा 10 मई से और एग्जाम टेस्ट पेपर शुरुआत हो जाएगी कब से, तो 4 जून से शुरुआत हो जाएगी. जून से लेकर के नवंबर तक में ये चलेगा हर 15 दिन पर. ये आपके पास इंफॉर्मेशन गया है, होप यू विल बी अंडरस्टैंड. सेकेंड इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं, उसको गौर से सुनिएगा. सेकेंड इंफॉर्मेशन जो है उसको समझिए. जो सुनील सर आईएएस कोचिंग का पोर्टल है, पेज है, उस पर 3-4 कोर्सेस हैं. एक तो जो कोर्स आप ले रहे हैं जीएस फाउंडेशन प्रीमियम कोर्स, वो पेड सर्विस में है. एक जो टेस्ट सीरीज है जो फ्री में, वो बना रहेगा, फ्री का टेस्ट चलता रहेगा, नो इश्यू. पेड टेस्ट शुरुआत हो जाएगी आपकी 1 जून से. तीसरी बातों को समझिए, जो जीएस फाउंडेशन स्पेशल फ्री पेज है जिस पर 100-200 बच्चे इनरोल्ड हैं, ऐसे ही जीएस इंट्रोडक्शन क्लास है जिस पर 100-200 बच्चे इनरोल्ड हैं एंड मोर डे बाय डे जुड़ रहे हैं. उसी तरीके से ध्यान में रखना है, इन सभी पेज पर मैं आपके लिए हाफ एन आवर का वीडियो, फ्री वीडियो डाउनलोड करता रहूँगा. आपको कोई डिमांड हो तो यू कैन डिमांड, कोई भी डिमांड टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो जारी कर दूंगा, तो उसमें आप समझ सकते. ऑन डिमांड टॉपिक है, सैटरडे को जारी होता है. प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आपका कोई डिमांड है सोशल साइंसेज से, सोशल स्टडीज से, यानी जीएस से, मोस्ट वेलकम. दूसरा एक पेज है जिस पर आप क्यूज देते हैं, डिफरेंट टीचर्स अपना क्विज रखते हैं, क्वेश्चन रखते हैं. मैंने कल से शुरुआत की है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ. जो सुनील सर आईएएस कोचिंग, मिस्टर सुनील सर उसे रिलेट करते हैं, ध्यान रखना है हमारी तरफ से प्रत्येक दिन 6 days week मंडे टू सैटरडे मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 क्वेश्चन. मैंने 5 से शुरुआत की है, मेरी कोशिश रहेगी कि 10 क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि देखिए, हिंदी और इंग्लिश में अगर नहीं लिखना है तो 10 क्वेश्चन हम आधे घंटे उस पर डाल के आपके लिए तैयार कर सकते हैं. दोनों में लिखने का मतलब होता है 20 क्वेश्चन को तैयार करना, थोड़ा वक्त की मार पड़ जाती है, पर मैं कोशिश करूंगा. मिनिमम 5 तो रहेगा ही, पर मैं चाहूंगा 10 का स्टैंडर्ड इसको मेंटेन कर दूंगा. तो मंडे को जैसे है, ये आपका क्वेश्चन जाया करेगा हिस्ट्री का, जो मैंने कल भेजा है 5 क्वेश्चन. बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं और मैक्सिमम बच्चों ने गलत अटेम्प्ट किए, क्योंकि वो मेरे पास सो हो जाता है कि कितने बच्चों का एवरेज ए का रहा, बी का रहा, सी का रहा, डी का रहा. ये मुझे पता चल जाता है कि मैगजीन किसने क्या अटेम्प्ट किया, वो नहीं पता चलता, ये मालूम है कि आपने क्या अटेम्प्ट किया, यानी एवरेज. तो याद रखिएगा, जो भी है, मैं मंडे को हिस्ट्री के क्वेश्चन 5 से 10 डालूंगा आपके लिए, और वो रिलेवेंट होगा और एक सीक्वेंस में होगा. ट्यूजडे को क्वेश्चन पॉलिटी का आ जाएगा, वेडनेसडे का क्वेश्चन ज्योग्राफी का आएगा, थर्सडे का क्वेश्चन जो आएगा वो आपका इकोनॉमिक्स के होंगे, फ्राइडे में जो क्वेश्चन आएगा वो करंट अफेयर्स एंड जीके होगा, और सैटरडे का जो 5 से 10 क्वेश्चन होगा वो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होगा,
आई मीन यू नो बेटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड साइंस एंड टेक से क्वेश्चन होगा। मैं चाहूंगा कि फ्री कुछ भी नहीं होता, आप हम सब समझते हैं, वो लोग कह देते फ्री, लेकिन नहीं, ये एक सेवा भाव है, शिक्षा सेवा भाव का संकल्प वाला चीज है। तो मैं सेवा भाव से आप लोगों के लिए हूँ, सुनील सर एट योर सर्विस। तो मैं ये 10 क्वेश्चंस आपके सामने रखूँ जो रिलिवेंट होगा और जिससे आपके एग्जाम्स क्लियर होंगे। तो ये कल से मैंने शुरुआत कर दिया और हर दिन आपके पास आता रहेगा, अपना ख्याल रखिएगा। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो मैंने जैसे कहा हुआ कि एनसीईआरटी का भी एक कोर्स शुरू हो रहा है बहुत जल्दी, 10 दिन के अंदर टेस्ट भी आपका शुरू हो चुका है और बस शुरुआत होनी है। एडमिशन उसमें 10 तारीख से ले सकते हैं, एनसीईआरटी में भी और टेस्ट सीरीज में भी, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो फ्री का चल रहा है बिल्कुल उसमें आप लगे रहिए, काम करते रहिए, आपके ख्याल से मैं टॉपिक्स डालता रहूँगा। और मेरे यूट्यूब को जरूर लिंक करके देखते रहिएगा, यूट्यूब पर जा करके अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, ठीक है। और कोई डिमांड हो तो मुझसे पर्सनली कहिए, आप कोट कर दीजिए, मैं देखता हूँ आपका रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच। नाउ स्टार्ट। एज यू नो दैट आई नोटिस्ड यू, आई मीन नोटिफाइड यू कि आज मंगलवार है और मंगलवार को जो क्लास होगी वह क्लास कौन सी होगी, तो यू नो इतिहास हिस्ट्री होगा, इंडियन हिस्ट्री होगा, थोड़ा वर्ल्ड सिनेरियो के साथ होगा, एंशियंट इंडिया का स्टोन एज पे बात करेंगे, अर्ली हिस्ट्री पर बात करेंगे। और जो नेक्स्ट क्लास होगी 12:15 से 1:15 वह क्लास आपकी जो होगी उसमें हम आपको बताने जा रहे हैं 15 मार्च से लेकर आगे जहां तक हो जाए, 3-4-5 दिन तो सरट जाते हैं, करंट अफेयर्स क्या क्या हैपनिंग्स हुई, ये चीजें। तो ये तो शुरुआत हम करने जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद मेरी कोशिश रहेगी कि ये 3 घंटे की क्लास आपकी होगी, क्योंकि जो मेन कोर्स है सब्जेक्ट वो तो चलता रहेगा और 1 घंटा यानी 45 मिनट से लेकर 55 मिनट्स का 1 घंटा लगभग वो हम करंट अफेयर्स पे बात करते रहेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज की तारीख का इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज की तारीख का इंपॉर्टेंस आप सभी लोग गौर से सुनिए। 5 मई वर्ल्ड अस्थमा डे है, जो मैंने कल ही डिस्कस किया है। 5 मई को विश्व अस्थमा कह लीजिए या दमा बीमारी के संदर्भ में डे मनाते हैं अवेयरनेस के लिए। अस्थमा एक्चुअली एलर्जिक डिजीज है, किसी खास चीजों से एलर्जी हो जाती है और उसके बारे में मैंने कल डिस्कस किया। और मैंने डिस्कस किया ना, आज का न्यूज़पेपर उठाइए, फिलहाल जो मैं न्यूज़पेपर लेता हूं पर्टिकुलरली वो द हिंदू होता है, दैनिक जागरण नेशनल इश्यू होता है, इकोनॉमिक टाइम्स होता है, याद रखिएगा। लेकिन अभी दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण शुरू नहीं हुआ है, 1-2 दिन में कर देगा, तो तब तक के लिए जो मेरे पास आया है हिंदुस्तान आया है, दैनिक हिंदुस्तान। तो दैनिक हिंदुस्तान में लोअर में विद गुड कैप्शंस एंड फोटोज अस्थमा के ऊपर पूरा का पूरा है। मैंने कहा ना किस दिन क्या होगा ये तय है, हमें अवेयर रहना है। तो चलिए अस्थमा दिवस को साइड करिए, ये क्वेश्चन है रहेगा। अब अगला क्वेश्चन, विश्व को झकझोर देने वाला एक नया इतिहास, एक नया अप्रोच, एक नया विजन देने वाला एक व्यक्ति विशेष जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में इतिहास की धाराओं को समझने के जो अप्रोचेज है इन सब में आमूलचूल परिवर्तन लाया, एक नया विकल्प दिया पूंजीवाद का, एक नया विकल्प दिया राजनीति का, और ऐसे शख्स का जन्म हुआ आज 5 मई 1818 इन यू नो पोलैंड एंड पास्ड अवे ऑन 14th मार्च 1883। द नेम ऑफ द सच पर्सन पर्सनैलिटी यू नो कार्ल मार्क्स। ध्यान में रखिएगा, आज हमारे एक बहुत बड़े विद्वान चिंतक
अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री, सामाजिक दर्शन शास्त्री, फिलोसफर, थिंकर का जन्म हुआ था। 5 मई 1818 को पोलैंड में जन्म हुआ था। वैसे जर्मनी के ये थे, तो याद रखिएगा। और फाइनली 14 मार्च 1883 को पास्ट अवे। और उन्होंने दुनिया में क्या दे दिए आपको भी पता है, थ्योरी ऑफ सोशलिज्म, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू एंड थ्योरी ऑफ बेटर कॉम्युनिज्म। राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद का सिद्धांत दिया। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उन्होंने सोशलिज्म, समाजवाद का सिद्धांत दिया। और अर्थव्यवस्था ही कह लीजिए, उसके उत्पादन से जुड़े क्षेत्र में उन्होंने किसका सिद्धांत दिया, सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। और यही थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था की पहली बार ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में व्याख्या की, हाउ दिस इकोनॉमी डेवलप थ्रू हिस्टोरिकल अप्रोचेस, ये इन्होंने दिया। इन्होंने जब देखें तो इनके गुरु का नाम था हैजल। जब ये 7-8 वर्ष के थे तो कार्ल मार्क्स के पिता ने हैजल के पास कार्ल मार्क्स को ले गया और सौंप दिए कि आज से ये आपका शिष्य है, अब आप जानिए और देख लीजिए क्या आया नतीजा। तो ये याद रखिएगा, ये आपके एसएससी 2013 में पूछ चुका है कि कार्ल मार्क्स के गुरु कौन थे, हैजल थे। हैजल की थ्योरी से ये इत्तेफाक रखते थे और बहुत कुछ विरोध जाके बहुत कुछ भी और अच्छे डेवलप किए। तो कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के दोस्त थे फ्रेडरिक एंजल, और फ्रेडरिक एंजल के साथ मिलकर के उन्होंने 1848 में एक बुक लिखी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, समाजवादी या साम्यवादी घोषणा पत्र, और सेल्फली अकेले 1867 में एक बुक लिखी, दास कैपिटल। तो बहुत कुछ है उनके लिए। जब हम आएंगे इकोनॉमी में, जब हम आएंगे पॉलिटी में, तो उनको हम आगे रखेंगे, उनके विचारों को सवाल के दायरे में। तो चलिए, आज कार्ल मार्क्स का है, अगर गौर फरमाए तो 2 साल पहले, यानी कार्ल मार्क्स की 200वीं जयंती, और अब कहेंगे 202वीं जयंती आज मनाई जा रही है, तो 202वीं जयंती। चलिए, बाय द वे अब इसे भी एंड करिए। नाउ वी हैव टू स्टडी हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आइए, आज 5 मई 2020 का इंपॉर्टेंस हो गया, कार्ल मार्क्स से रिलेटेड हो गया, अस्थमा से रिलेटेड हो गया। चलिए, ट्यूसडे आज है, मंगलवार है, और मंगलवार के संदर्भ में जो है छोटी छोटी चीजें हैं, एंशियंट हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास, लेकिन हमें थोड़ा सा आपको समझाना है, तो कुछ बोर्ड वर्क कर देता हूं और उसके बाद उसी के आधार पर समझाऊंगा, बोर्ड वर्क थोड़ा जरूरी है। तो प्राचीन इतिहास ही है, पर बोर्ड वर्क के थ्रू थोड़ा समझते हैं। हिस्ट्री, पहले तो हम देखें हिस्ट्री, और हिस्ट्री के संदर्भ में एक होता है फादर ऑफ हिस्ट्री, क्वेश्चन बना कि इतिहास का पिता किसे कहा गया है, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो हेरोडोटस, हिस्टोरियन, ग्रीक, लाइफ स्पैन 484
BC2 425 BC. His book, तो याद रखिएगा द हिस्ट्री, ठीक है. लुक नाउ, जो मैंने कहा एक सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है. हु इज कंसीडर्ड फादर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज वेरी पैट क्वेश्चन फॉर एवरी वन बिकॉज यू आर गोइंग टू बी स्टार्ट हिस्ट्री. योर आंसर विल बी हेरोडोटस कंसीडर्ड फादर ऑफ हिस्ट्री. हेरोडोटस वॉज ए हिस्टोरियन, वो एक इतिहासकार था, नॉट आर्कोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन. हिज लाइफ स्पैन, उसका जन्म और मृत्यु जो है 484 बीसी एंड डेथ 425 बीसी. याद रखिएगा ये जो टाइम है अपने यहां मगध एम्पायर के राइजिंग का टाइम दिखता है, हर लेट इट गो, तो ये टाइमिंग है, ये ध्यान में रखना. इसने एक बुक लिखी, ठीक है. इसके बुक का नाम क्या है? द हिस्ट्रीज. तो याद रखिएगा इसके बुक का नाम द हिस्ट्रीज. तो हिस्टोरीज आ गया. कहां से था? ग्रीक माना जाता है. एक्चुअली वो जो पर्सिया का एम्पायर था, तो पर्सियन एम्पायर के पार्ट में जन्म लिया, पर ग्रीक में रहा, वहीं मरा, ठीक है, मैला नाम के जगह पर. याद रखिएगा. तो एक पॉइंट खत्म हो गया. फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, ही वॉज हिस्टोरियन, बिलोंग फ्रॉम ग्रीक, ठीक है. हिज लाइफ स्पैन टू आइडेंटिफाई द व्हाट वॉज द टाइम, 484 बर्थ, 425 बीसी डेथ. बुक नेम द हिस्टोरीज, यानी हिस्ट्रीज. बर्थ, चलिए यहां से हम फ्री हो जाएं, यहां अब कुछ भी नहीं, इसको मैं मिटाऊंगा. आई हैव टू डिलीट इट, प्लीज पेन डाउन. ठीक है, एक पॉइंट हुआ. अब अगला पॉइंट होता है हिस्ट्री में टाइम. एक होता है डेफिनेशन. व्हाट इज डेफिनेशन? क्या परिभाषा है? यानी इतिहास की क्या परिभाषा होनी चाहिए? तो ये लिखने की चीज नहीं होगी, समझने की चीज होगी. डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. व्हाट एवर द पास्ट अवे, व्हेन वी हैव टू स्टडी अबाउट आवर पास्ट, ह्यूमन बीइंग्स पास्ट लाइफ, टू आइडेंटिफाई, टू डिस्कवर व्हाट वॉज गोइंग ऑन दैट टाइम, हाउ आवर सोसाइटी इज डेवलप्ड एंड हाउ ऑल थिंग्स चेंज्ड डे बाय डे. So this theory is considered actually history. ठीक है, याद रखिए इतिहास क्या है बेटा? बीते हुए समय की कहानी, बीते हुए समय के बारे में जानकारी हासिल करना, अध्ययन करना, यानी जो समय बीत गया उसका अध्ययन करना. सिंपल थ्योरी है. अब जो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है उसको देखते हुए एक सवाल होता है, और सवाल का आंसर सीधा है, हिस्ट्री इज कंसीडर मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट. ठीक है, हिस्ट्री कंसीडर ऑल सब्जेक्ट. याद रखिएगा बेटा, इतिहास को सभी विषयों की जननी कहा गया है. ये याद रखिएगा, इतिहास को सभी विषयों की जननी, मदर. जैसे पॉलिटी में पढ़ते हैं ना, मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स, द पार्लियामेंट्स ऑफ इंग्लैंड.
इंग्लैंड के संसद को संसदों की जननी कहा गया है। सिंपल टू अंडरस्टैंड। जैसे चलिए बहुत है एक्चुअली। वेल तो फादर की बात हो गई, उनकी बुक्स की बात हो गई, अब बात करें हम दूसरी हिस्ट्री में जो पार्ट होता है, पार्ट्स, तो हम कहते हैं फोर पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स इन हिस्ट्री? फोर पार्ट्स। एक को कहते हैं आंसियन यानी प्राचीन काल या प्राचीन इतिहास। ऐसे दूसरे को आप कहते हैं मिडाइवल मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। तीसरे को कहते हैं आप मॉडर्न इतिहास। चौथे को आप कहते हैं कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री की। दूसरी समझ ये रखिए कि हिस्ट्री इज जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड, किसी भी देश का इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री हो या पर्टिकुलर कंट्रीज हिस्ट्री हो, जनरली डिवाइडेड इन फोर पार्ट, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, कंटेम्पररी। एंशियंट का मतलब प्राचीन, पुराना, ओल्ड का इतिहास, और ऐसे ही मिडाइवल मध्यकाल, ऐसे ही आधुनिक काल, ऐसे ही कंटेम्पररी। कंटेम्पररी मतलब समसामयिक, जो अद्यतन है, जो चल रहा है उससे ठीक थोड़ा पहले। पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को, इन एनी कंट्रीज हिस्ट्रीज जनरली डिवाइडेड इन फोर पार्ट, पर बुक में जनरली क्या होता है, ये थ्री पार्ट्स को दिखाता है, बुक में ये थ्री पार्ट्स दिखाता है, कोई इशू नहीं, दैट इज फोर पार्ट। एक पॉइंट क्लियर। अब आइए, तो क्या इंडिया में भी ऐसे ही दिखाया जाता है? बिल्कुल। तो इंडिया में और वर्ल्ड में क्या टाइम सबका एक ही है? ये तो फ्रेमिंग हो गई, टाइम की फ्रेमिंग हो गई, लेकिन क्या सब में टाइम की फ्रेमिंग, जो टाइम का स्पैन है, वो इक्वल है? नहीं, एवरीबॉडी इज नॉट जेल, बट जनरल इक्वलिटी है, बट थोड़ा डेट्स के इधर उधर है। तो हमें फोकस करना है कि भारत में इन चारों की टाइमिंग क्या है, द व्हाट इज द टाइमिंग इन इंडियन हिस्ट्री, ये ध्यान में रखना है। तो मैं वो टाइम, अब इसे क्या करना है, इन चारों को आप वर्ल्ड का मान लीजिए, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, और माने तो इंडिया का, तो हम इंडिया का मानने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है आप लोग लिख लिया होगा, और इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है, आप लोग समझ सकते हैं, है आपके पास। तो प्राचीन काल, मध्यकालीन, आधुनिक और शमशाई की। अब समय देखना है, तो इसका समय जो माना गया है थ्रू आउट, टिल 647 AD, मध्यकाल का माना गया है 647 AD से 1707 AD, और आधुनिक का माना जाता है 1707 AD से लेकर के 1940, आजकल तो 64 लगे AD,
और शमशाइक को जो मान लिया जाता है उसको माना जाता है 1945, भारत के संदर्भ में तो 1947 मान लीजिए, 1947 या 1950 से 1991 का माना जाता है, ठीक है, ये मान लेते हैं। नोट, इंडियन हिस्ट्री, तो मैंने आपको शो कर दिया कि भारतीय इतिहास, नोट में डाल दीजिएगा, भारतीय इतिहास के जो टाइम फ्रेम है वो ये है बेटा। इसके पीछे रीजन क्या है, बहुत सिंपल है, हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जो फ्री पोर्टल पे भी रखा हुआ और ऐसे भी आप लोग देख रहे हैं तो उसमें देख लीजिएगा, तो ये है आपका, ठीक है। एक डिवीजन ये है, गौर फरमाएंगे, एक डिवीजन ये है, चलिए इसको देखते हैं। ये अगले डिवीजन की ओर बढ़े तो चार पार्ट को उसको दिखाते हैं, आप इसे पेन डाउन कर लीजिए या फोटो खींच सकते हैं, अगर रिफ्लेक्ट ना करे तो फोटो खींच लीजिए, और हम चलते हैं अब इसी को दूसरे तरीके से बांट के देखते हैं। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, अब अदर कैटेगरी देखिए, अगर कुछ और भी श्रेणियां बनाते हैं तो जैसे देखिए एक को कहते हैं प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, इसी का दूसरा नाम होगा अर्ली हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री ही अर्ली हिस्ट्री है, जिसको शुद्ध हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राक इतिहास, ठीक है, पूर्व इतिहास या प्राग इतिहास। दूसरा जो पार्ट है इसको कहते हैं आप प्रोटो, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो का मतलब हो गया आद्य इतिहास, और आद्य का मतलब है हाफ, आधा, जो प्रोटो है जो आधा है, जिसका अर्थ है हाफ हाफ। तीसरा होता है हिस्टोरी, अब इसे कहते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। चौथा जो होता है प्योर, यानी प्योर हिस्टोरिकल एरा, यानी शुद्ध ऐतिहासिक काल। देखा आपने, चार पार्ट हमने आपको फिर दिखाया शुद्ध ऐतिहासिक काल के संदर्भ में।
प्री, इस पर ध्यान दीजिए, प्रोटो, इस पे ध्यान दीजिए, हिस्टोरिकल, इस पे ध्यान दीजिए, और प्योर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। याद रखिए ये चार चीजें, प्री, प्रोटो, हिस्टोरिकल, प्योर, आप लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूं और सबका एक एग्जाम्पल भी दे दूंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा, ठीक है। तो प्री हिस्टोरी या प्री हिस्टोरिकल एरा एक ही बात है, पूर्व इतिहास या प्राक इतिहास कह लीजिए एक ही बात है, प्रोटो हिस्ट्री यानी आद्य इतिहास कहिए, हिस्टोरिकल एरा ऐतिहासिक काल कहिए, प्योर हिस्टोरिकल एरा शुद्ध ऐतिहासिक काल। तो हम इस तरह से भी कैटेगराइज करते हैं। किसी का कोई कमेंट जी? गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग कंचन, वेरी गुड मॉर्निंग। वेल लुक, ये तो आप समझ गए, अब इसी को दूसरे तरीके से समझाते हैं, समझिए। मेरा ख्याल है ओके है, पूरा नहीं मिटा रहा हूं, कुछ पार्ट। प्री, प्रोटो, हिस्टोरिकल और प्योर, ये चार शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। प्री को ही अर्ली कह रहे हैं, पूर्व को ही प्राक कह रहे हैं, प्राक का मतलब होता है प्रारंभ, प्रारंभिक इतिहास, प्राक मतलब प्रारंभ, प्रारंभिक इतिहास, ठीक है ना, ये याद रखिए। कहते हैं ना अर्ली मॉर्निंग यानी एकदम सवेरे, यानी सुबह की शुरुआत, ये मतलब। प्रोटो मतलब होता है आधा, हाफ, सेमी, डेमी, हेमी, सेमी, डेमी, हेमी, हाफ, प्रोटो, इन सब का मतलब क्या होता है, हाफ। और क्वासी का मतलब भी होता है आधा, क्वासी, सेमी, हेमी, डेमी, प्रोटो, क्वासी, तभी तो कहें हेमिस्फेयर, अर्धगोलार्ध, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, कहते हैं ना, आपके सामने में। चलिए अब प्रोटो, प्रोटो का अर्थ क्या होगा बताऊंगा, आदि इतिहास हाफ किसके कहते हैं, हिस्टोरिकल किसके कहते हैं और प्योर हिस्टोरिकल एरा किसको कहते हैं। मैं ये पार्ट मिटा रहा हूं क्योंकि सब के लिए आपके पास है, तो ये हो गया। फिर आद्य भी आप समझ गए, आधा, ठीक है। अब आइए, इंग्लिश आपके सामने में है, ठीक है, प्री हिस्ट्री है मौजूद, प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल एरा, प्योर हिस्टोरिकल एरा, चारों है। अब इसको समझिए, सीदा वहां पर एग्जाम्पल डालते हैं, एग्जाम्पल सेट करने के बाद जो समझाऊंगा तो जल्दी समझेंगे। तो स्टोन एज के बाद आता है आपको कॉपर स्टोन एज, उसके बाद आता है जी कॉपर स्टोन एज को ये कहते हैं चैल्को लिथिक, इसके बाद आ जाता है ब्रॉन्ज, एरा, उसके बाद आता है आपका मेगालिथिक एरा। ये प्रोटो का एग्जांपल सेट करते हैं, प्रोटो में आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद आता है वैदिक सिविलाइजेशन, उसके बाद है हिस्टोरिकल, सिक्स सेंचुरी बीसी सो कॉल्ड,
बुद्धा एरा एंड एंड नहीं या महाजनपदा एरा। हिस्टोरिकल में आ जाइए तो ये है आपका मौर्य एम्पायर टू आर्स। देखिए ये जो मैंने आपको लिख दिया है प्लीज आप भी इसे मेंटेन कर लीजिए, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छे अच्छे शिक्षक गण भी कभी ध्यान नहीं दे पाते इन चीजों को। बड़े बड़े शिक्षक हैं हमारे, नो डाउट, बड़े अच्छे नॉलेज हैं, ज्ञान है, पर चूंकि कभी कभी क्या होता है वर्क की जरूरत को देखते हुए, दिल्ली पुलिस एसएससी को पढ़ाते 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 बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके दिमाग से छूट जाता है, बाद में उनको मालूम है लेकिन धीरे धीरे मिस कर जाता है। याद रखिएगा आप मिस नहीं करेंगे, तो ध्यान दीजिए। प्री हिस्टोरी, प्रोटो हिस्टोरिकल, प्योर, हमने एग्जाम्पल दिए हैं उस एज के, कुछ जो हैपनिंग्स है उसके एग्जाम्पल दिए हैं। स्टोन एज को आप कहते हैं पाषाण काल, कॉपर स्टोन एज को आप कहते हैं दूसरा नाम चैल्कोलिथिक एरा। कॉपर मतलब तांबा, स्टोन मतलब पत्थर, चट्टान, रॉक, अश्म, यानी कि जब स्टोन के हथियार सर्फ मिले हड्डी और स्टोन के, तो उस पीरियड को स्टोन एज कहा। जब हमें देखे कि उन लोगों ने हथियार के तौर पे तांबे का इस्तेमाल किया और साथ में हड्डियों और पत्थरों के औजार, इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेपन्स भी यूज कर रहे हैं, यानी एक एडिशनल ले लिए कॉपर मेटल ले लिए, तो उस पीरियड को हमने कॉपर स्टोन एज कहा। फिर समय के साथ देखते हैं टेक्नोलॉजिकली वो थोड़ा अपलिफ्ट कर गए उसी क्षेत्र के कुछ सोसाइटी लोग, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वो लोग क्या करने लगे, ब्रॉन्ज इस्तेमाल करने लगे, एलॉय ऑफ मेटल, यानी अब जो है वो धातु का मिश्रण करके नई टेक्नोलॉजी में ले आए और ब्रॉन्ज बनाने लगे। ब्रॉन्ज तो आपको मालूम ही है किससे बनता है, कॉपर एंड टीन, 90:10, 90 copper 10 tin, इनके रेशियो से बनता है ब्रॉन्ज, जो थोड़ा स्ट्रॉन्गर मटेरियल हो जाता है, स्ट्रॉन्गर एलॉय हो जाता है, कॉपर से स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो वो सिंधु घाटी वाले तो यही यूज कर रहे थे, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक नाम भी देते हैं ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। तो याद रखिएगा प्री हिस्टोरी स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज, उसी को चैल्कोलिथिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप साइंस पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं ना क्या, मेटल एंड ओर, खनिज पदार्थ जो पढ़ते हैं, धातु और उसके अयस्क, तो आप क्या पढ़ते हैं, चैल्कोलिथिक, ठीक है ना, क्यूपराइट, चैल्कोलाइट, ये क्या है, तांबे का अयस्क है, ओर ऑफ कॉपर, तो चैल्कोलाइट, ये लैटिन शब्द है चैल्कोलाइट। चलिए तो ये समझ गए। फिर एक है मेगालिथ एरा, हम साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहां पर मेगालिथ एरा, महापाषाण कालीन एक शब्दता होगी, बताएंगे उसके बारे में, तो वो भी इसी में आता है जो 1000 BC के आसपास है, लेटली है पर इसी में आता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिए। ब्रह्मगिरी से और आदि चन्नलूर से ये हमें मिलता है, ब्रह्मगिरी और आदि चन्नलूर, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, आदि चन्नलूर तमिलनाडु। चलिए ये सब बात होगी, तो ये देखा आपने। अब आइए प्रोटो हिस्ट्री में कौन कौन सा पार्ट आता है हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी घाटी सभ्यता का जो टाइम फ्रेम है वो इसमें आ जाता है, प्लस वैदिक सिविलाइजेशन, चाहे वो प्री वैदिक हो, लेटर वैदिक हो, ऋग वैदिक हो यानी पूर्व वैदिक काल हो, या उत्तर वैदिक काल हो, ठीक है, वो सब पूरे 1000 साल जो है वैदिक का वो इसमें आ जाता है। हिस्टोरिकल एरा में क्या होता है, 6th century BC का टाइम है, गौतम बुद्ध का टाइम है, महावीर स्वामी का टाइम है, तो उनको बुद्धा एरा कह देते हैं, और उसी टाइम में 16 महाजनपदास डेवलप्ड हो जाता है, 16 महाजनपद, तो वो 16 महाजनपद का समय है। तो आप या तो महाजनपदा एरा, महाजनपद का काल कहिए, या बुद्ध काल कहिए, या 6th century BC कहिए, ये टाइम हिस्ट्री। और अब है प्योर हिस्ट्री में भी, अब क्या है प्योर शुद्ध ऐतिहासिक काल, तो ये शुरू होता है मौर्य एम्पायर से। अब कहेंगे ऐसा क्यों बांटा,
वो बताता हूं। गौर से सभी लोगों को सुनना है। इतिहास के संदर्भ में उस समय का इतिहास जिसके बारे में हमें बहुत ही कम, ना के बराबर ह्यूमन एक्टिविटीज की चीजें प्राप्त हुई है, ना के बराबर, इग्नोरेबल, यानी 2% चीजें भी हमें नहीं प्राप्त होती उनसे जुड़े जो वो उपयोग करते थे, उपभोग करते थे, उन चीजों का 2% भी प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन मनुष्य के डेवलपमेंट का 90% डेवलपमेंट की कहानी वही है। मनुष्य के डेवलपमेंट की 90% कहानी यहीं पर है, पर इस समय का हमें कोई भी एविडेंस ना के बराबर मिला, इग्नोरेबल, बहुत ही कम मिला। क्या वही वो क्या करते थे, खाद्य संग्राहक थे, फूड कलेक्टर या फूड गैदरर एंड हंटर, और वो वेपन्स रखते, इंस्ट्रूमेंट्स रखते किसके, बोन्स के एंड लिथस, स्टोन, पत्थर के। यही कुछ कुछ जगह जगह मिले हैं छोटे बहुत, और कुछ नहीं। तो जिस समय के इतिहास को हम परसेप्शन पर बेस्ड करते हैं, अनुमान पर आधारित कर देते हैं कि ऐसा रहा होगा, ऐसा लाइफ स्टाइल उनका रहा होगा, हमारे जो एंसेस्टर्स है उनका रहा होगा, तो ये मान करके कि हाँ हमारे एंसेस्टर्स ऐसे रहे होंगे, ये मान करके कि ऐसे रहे होंगे, अनुमान, परसेप्शन, 99% बेस्ड ऑन आवर परसेप्शन कि ऐसा रहा होगा, उस समय को क्या कहते हैं, अर्ली हिस्ट्री, बिकॉज देर इज नो एविडेंस दैट वी कैन राइट हिस्ट्री, जस्ट गिव ए परसेप्शन। तो इस समय का जो देखते हैं इतिहास, पूरी दुनिया में कितने पढ़ लीजिए, 100 पन्ने में खत्म हो जाएगा, 100 pages इज एनफ टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। ये चीज है, तो ये ध्यान रखना, जिस समय का कोई भी हमें ना तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला और ना ही हमें लिटरेरी एविडेंस मिला, दैट पीरियड इज कंसिडर्ड प्री हिस्टोरिक एरा, अर्ली हिस्ट्री, हिस्ट्री, अर्ली हिस्ट्री, प्राक इतिहास, प्रारंभिक इतिहास। अब मूल रूप से छोटे से में शब्दों में डेफिनेशन प्री का, जिस समय का ना तो हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और ना ही हमें कोई साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं, नॉट लिटरेरी सोर्स, इवन नॉट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, नॉट फाइंड सच पीरियड बेस्ड ऑन आवर perception, that's called prehistoric era, and this prehistoric era, these are the sections of history come, not only Indian history, across the world history, stone age, Pashan Kal, Tamra Pashan Kal, Kashya Yug aur Mahapashan Kal, Charvat, ye alag se main padhaunga beta, abhi to main aapko ye samjha raha hu, basic hai thoda, ab aaiye, proto history, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और लिटरेरी एविडेंस दोनों को मिला के कर दीजिए 100%। जब दोनों को अलग करना हो तो अलग कर दीजिए 50%, 50%, दोनों के वेटेज डाल दीजिए। तो अगर सिर्फ हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है तो वो 50% हुआ, अगर हमारे पास सिर्फ लिटरेरी सोर्स है किसी टाइप का तो भी 50% हुआ, अगर हमारे पास लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल दोनों सोर्स है तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, 100%। वेटेज में बस समझा रहा हूं। तो बेटा जिस समय का या तो सिर्फ आर्कियोलॉजिकल या फिर सिर्फ लिटरेरी सोर्स मिला है कोई एक, तो उसे हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। अब कहेंगे क्यों, कोई एक से क्यों, इसलिए कि अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला और लिटरेरी एविडेंस भी मिलता है तो इस टाइम की चीजों को लिटरेचर लिखेगा,
और इसका फीडबैक हमें यहां से मिल जाएगा। एर्कोलॉजी का फीडबैक लिटरेरी देगा, और अगर किसी टाइम में लिटरेरी सोर्स तो बहुत मिले, जैसे वैदिक एरा, बहुत सारी पुस्तकें उस समय के संदर्भ में बात करती है, बट जो बात करती है वो कहीं हम एविडेंस नहीं देखते। ठीक है, जलवायु के परिवर्तन से ध्वस्त, पर एविडेंस नहीं देखते, तो हमें इसका फीडबैक नहीं मिल रहा है, पुष्टिकरण नहीं हो रहा है, तो आधा ही है। इसलिए बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्कियोलॉजिकल साइट्स पूरे हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पूरे हैं, पूरा शहर के शहर मिल रहा है, वस्तुएं मिल रही हैं, चीजें मिल रही हैं, वो खुद मिल रहे हैं कंकाल के तौर पे, और भी बहुत कुछ। पर उन्होंने जो कुछ भी अपनी मुहरों पर लिखा, अपने शहर के नाम लिखे, जहां कहीं भी उन्होंने अपनी लेखनी प्रकट की है, स्क्रिप्ट है, उनके स्क्रिप्ट हम नहीं पढ़ पा रहे, उनके लैंग्वेज हम नहीं समझ पा रहे। सो उसका जो लिटरेरी पार्ट ऑफ एविडेंस है वो हमारे नोन में नहीं आ रहा है, वी आर नॉट स्टडीड, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुड नॉट अंडरस्टैंड सो फार आफ्टर ए लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। एक आईएएस ऑफिसर हुए इरा महादेवन, उन्होंने इसको पढ़ने का दावा किया, पर वो भी क्लियर नहीं, वो मुंडा संस्कृति से जोड़ के देख रहे थे, पर अभी भी क्या है, अनरिडन है, अपठनीय है, अनरिडेबल है। इसलिए बेटा सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर हमें बेस्ट होना पड़ता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। दो लिटरेरी सोर्स हैं पर हम पढ़ नहीं पाए, बात तो एक ही हुई ना, तो आधा ही हुआ ना, ओनली आर्कियोलॉजिकल। सो इंडियन इंडियन क्या कहते हैं वो आपका हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कम अंडर प्रोटो हिस्ट्री, एंड द सेम थ्योरी यू अप्लाई वैदिक का जो टाइम है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच में, हमें किताबें उस समय के बहुत मिले, उस समय के लिखे हुए किताबें एक भी नहीं मिले। गुप्त काल में कुछ किताबें लिखी गई जो रेफरेंस देता है कि इससे पहले ऐसा समय था, तो उस समय के अनुसार कोई चीज हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो अब तक हमें वो एविडेंस नहीं मिले, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले। कुछ अभी हस्तिनापुर से मिले हैं, बागपत में मिले हैं, और भी मिल रहे हैं, अतरंजी खेरा में मिले हैं, ऐसे हैं, बट 2% वैदिक काल का जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो 2% के आसपास है। 98% वी हैव टू बेस्ड ऑन लिटरेरी, साहित्य पर आधारित है, इसलिए ये भी अधूरा है, फीडबैक नहीं मिलता, इसलिए वैदिक काल को भी प्रोटो हिस्ट्री। ये सब क्वेश्चन आईएएस पीसीएस के टॉप लेवल के क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा प्रोटो हिस्ट्री में दो सेक्शन आ गए, क्यों? आईवीसी का आर्कियोलॉजिकल है बट नॉट लिटरेरी, और वैदिक काल का लिटरेचर है, लिटरेरी सोर्स है बट नॉट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, तो अधूरा है, तो ये दो आ गए। अब आइए हिस्टोरिकल बेटा, जब हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ साथ लिटरेरी सोर्स भी मिलने लगते हैं और वो एक दूसरे को पुष्ट करते हैं, बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं मिलते, क्रमानुसार नहीं मिलते, जिग जैग मिलते हैं, हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो जिग जैग नॉट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बट बोथ ऑफ एविडेंस अक्री लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल। Such period is called historical era, ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब समझ में आया ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो बेटा ये कब से शुरू हो जाता है? तो ये शुरू हो जाता है 6th century BC before Christ। आप भी जानते हैं गौतम बुद्ध का समय और जो महाजनपद का समय है 16 महाजनपद, ये इसी टाइम में है, और इस टाइम में हमें दोनों सोर्सेस मिलके एक दूसरे को फीडबैक कर रहे होते हैं और हमें इतिहास की समझ धाराओं को समझने में आसानी होती है, तो इस पीरियड से हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। अब समझ में आया? अब चौथे कड़ी पर आइए, प्योर मतलब शुद्ध, यहां शुद्धता से तात्पर्य यह है कि यह कौन सा ऐतिहासिक समय है जब हमें अब हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मिलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एविडेंस भी हमें फाइंड आउट हो रहे हैं और लिटरेरी सोर्स भी उसको फीडबैक दे रहा है। सो बोथ ऑफ सोर्सेस, बोथ ऑफ एविडेंस, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल, एंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड प्योर हिस्टोरिक एरा, एंड दिस इज द प्योर हिस्टोरिक एरा, इट्स बिगेन
फ्रॉम मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के समय से शुरू हो जाता है, 322 बीसी से शुरू हो जाता है। तो बेटा मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, और मैं जरूर यकीन करता हूं कि आप समझे होंगे अच्छे से। फिर भी कोई सस्पिशियस हो, अंडरस्टैंडिंग में कमी हो, तो हमें बोलिए, रिएक्ट करिए, ठीक है। तो चलिए ये पॉइंट हो गया। अब अगले पॉइंट, ये तो हो गया बेटा, इसको मिटाया जाए। जो अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम, तो ये अब आप समझ गए कि हिस्ट्री में एज फैक्टर क्या है, कैटेगराइजेशन क्या है, ठीक है, और इनसाइड जाकर के फिर कितने सारे एजेस आते हैं, ये सब बात एडीबीसी सब पढ़ा दिया था, कोई इश्यू नहीं है। अब बात करते हैं हम एंशियंट को कैसे डिफाइन किया गया है। तो आइए हिस्ट्री में आ जाते हैं, पार्ट वन, एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास, इसको ऐसे समझिए, प्राचीन भारत का इतिहास, और इसे हम कैसे कैटेगराइज करें, कैसे पढ़े। तो याद रखिएगा, इसे वर्ल्ड के संदर्भ में भी समझिए, खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। यानी मेरे कहने का यह मतलब है कि हम जो एंशिएंट इंडिया पढ़ने जा रहे हैं उसको हम एक एरिया डेवलप कर रहे हैं, तो नॉट ओनली इंडिया, इंडिया एडजेसेंट, इंडिया एडजेसेंट में पाकिस्तान भी है। और जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं तो मैंने कहा पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, समटाइम्स एडेड श्रीलंका, दीज आर accumulatively called Indian subcontinent। ज्योग्राफी में बताऊंगा क्यों, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी हम साउथ एशिया, साथ साथ साउथ वेस्ट पे भी ध्यान जाएगा। तो ये अब एंशियंट को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, एंशियंट को फर्दर डिवाइड करेंगे। एंशियंट, एंशियंट को जब हम डिवीजन करते हैं, एंशियंट का डिवीजन कितने में किया जाता है, तो याद रखिएगा हम जब कहते हैं अर्ली हिस्ट्री, अर्ली हिस्ट्री, तो इसका मतलब क्या होता है, 20 लैक्स बीसी टू 6000 बीसी आप कह सकते हैं इसे, ठीक है, 6000 बीसी, कहीं कहीं ये 4000 बीसी तक चला जाता है जनरली। दूसरे पॉइंट पर आ जाइए, ठीक है, अर्ली, ओके, यहां तक आ गए। तो अर्ली हिस्ट्री ये पूरा का पूरा टाइम है। अब इसको हम डिवाइड करें, ठीक है, तो इसको डिवीजन करें, डिवीजन अर्ली हिस्ट्री, ठीक है, तो एंशियंट से एक आया अर्ली, अब अर्ली को डिवाइड करें, तो पहला एक आता है पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक। देखिए बेटा,
पहले का मतलब होता है ओल्ड एंड लिथस मतलब होता है स्टोन, ध्यान रखें। पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथस मतलब स्टोन, ये सब ग्रीक वर्ड है। तो ओल्ड स्टोन यानी प्रारंभिक पाषाण का, तो पैलियोलिथिक कहते हैं, तो इसका मतलब रहता है प्रारंभिक या पूर्व पाषाण का। काल या आरंभिक, एंशियंट इंडिया जिसकी टाइमिंग आपको मालूम है थ्रू आउट से लेकर 647 एडी तक, एंशियंट को हमने एक पॉइंट दिया अर्ली हिस्ट्री, और अर्ली हिस्ट्री का मतलब आपको मालूम है ना प्राक इतिहास, इतिहास से पूर्व, और प्राक इतिहास की जो पूरा लाइफ स्पैन है 20 लाख बीसी से लेकर 6000 बीसी के बीच में हम इसको रखते हैं, 6000 बीसी के बीच में, ये ध्यान रखें। इसके बीच में आता है पैलियोलिथिक एरा, अब इसका वन है ये, अब इसको एबीसी में दिखा दिए, पैलियोलिथिक एरा पूर्व पाषाण काल यानी आरंभिक, ठीक है, ये ध्यान रखना। पैलियो मतलब होता है ओल्ड, लिथस मतलब स्टोन, ये चीज है। अब दूसरा जो आता है इसको कहते हैं मैसो, मैसोलिथिक एरा, इसका मतलब हुआ मध्य पाषाण, और मैसो का मतलब होता है बीच का मध्य, ये होता है मैसो। उसके बाद आपका आ गया सी, जिसको कहते हैं नियो, नियोलिथिक एरा, नियो मतलब होता है नव यानी नया, ये होता है, लिथस मतलब तो पत्थर ही है, तो ये इसको कहते हैं नव पाषाण का। मैं बताऊं हम पैलियोलिथिक को भी फर्दर तीन पार्ट में बांटेंगे, अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड लेटर पैलियोलिथिक बांटेंगे, ठीक है, ये तीन पार्ट, ये ध्यान रखिए। अब इसको देखते हैं कैसे, तो इसका टाइमिंग क्या है, तो टाइमिंग देखिए पैलियोलिथिक जो है इसका टाइमिंग आपका है 20 लाख बीसी, बीसी से लेकर के 12000 बीसी। मध्य की टाइमिंग क्या है, तो 12000 बीसी से 10000 बीसी, ये ध्यान रखिए 12000 बीसी से 10000 बीसी, हाँ, एंड द फाइनली 10000 बीसी से ये हो जाता है 6000 बीसी। लुक नाउ, मैंने एक फर्दर आपको डिवीजन दिखाया है, इसके भी डिवीजन होंगे, सम डिवीजन्स होंगे, तो अंडरस्टैंड करिए इस बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो अगला हमारा करंट अफेयर्स है, रिमेंबर हम इसे कम से कम हाफ एन आवर आपको और टाइम देके अगला जो 12:15 से 12:15 का है उसमें आधा घंटा हम इसको डिफाइन करेंगे, नो डाउट, और उसके बाद करंट भी शुरू करेंगे, क्योंकि चीजों को अधूरा नहीं छोड़ना है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन टू वाचिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट।